स्टार सेट का छोटा सा बॉक्स जो बिल्कुल खिलौना लगता है, लेकिन इसमें आप लाइफ टाइम पेड चैनल फ्री टू अर्थ देखने वाले। दोस्तों यहाँ पे पूरी डिटेल इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे। तो सबसे पहले आप कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को दबाना ना भूलिए। और उसके बाद जो है आपको करना है एक छोटा सा काम, जिसे आप देख सकते हो यहाँ पे, आपको लाइक का बटन दबाना है। लाइक का बटन दबाने के बाद आपको इसे करना है शेयर। शेयर यानी आप फेसबुक पर, ट्विटर पर, ब्लॉगर पर, ये किसी पर भी शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे दिख रहा होगा ये कमेंट्स का ऑप्शन है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले एक सेट टॉप बॉक्स हमें मिल जाता है, साथ में आपको एक IR रिमोट मिल जाता है। फिर हम देखेंगे तो इसमें आपको 12 वोल्ट का एक एडाप्टर मिल जाएगा, तो ये है एडाप्टर। एक छोटा सा HDMI केबल मिल जाता है और इसमें आपको एक IR सेंसर मिल जाता है। और ये बॉक्स को लगाने के लिए, स्टैंड को लगाने के लिए यहाँ पे इसमें एक वॉल माउंट छोटा सा स्टैंड मिल जाता है। और ये बॉक्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या क्या सिस्टम है, वो सारी डिटेल आपको यूज़र मैनुअल में साथ में ही मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पे ये बॉक्स आपको कहाँ पे मिलेगा, इसका प्राइस क्या है, वो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो है इसका यूज़र मैनुअल। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बारीकी से दिखाता हूँ कि इसमें जो चीज़ें हैं वो कैसी है। तो सबसे पहले ये है छोटा सा स्टैंड, तो यहाँ पे इसको हम साइड पे कर लेते हैं। इसमें आपको 12 वोल्ट 1.5 एम्पीयर का एक एडाप्टर मिल जाता है। बॉक्स बहुत ही छोटा है, इसके लिए इसका जो एडाप्टर है वो भी बहुत ही छोटा है, लेकिन बहुत ही पावरफुल इसका एडाप्टर आपको साथ में मिल जाता है। फिर दोस्तों हम आगे देखेंगे तो इसमें एक छोटा सा HDMI केबल मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये बॉक्स आपको TV के पीछे वॉल माउंट करना होता है, तो इसमें छोटा सा HDMI केबल मिल जाता है। और यहाँ पे इसका रिमोट अच्छे से लगे, इसके लिए इसमें IR सेंसर यहाँ पे अलग से दिया हुआ है। तो दोस्तों ये है इसका IR सेंसर, ये आपको बॉक्स के साथ अटैच करना होता है। फिर इसमें एक आपको एक अच्छा सा रिमोट मिल जाता है, जो सॉलिड में आता है, ऐसा ही रिमोट मुझे लग रहा है, लेकिन थोड़ी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे ये है इसका IR रिमोट, इसमें लगभग A to Z आपको बटन मिल जाएंगे। नीचे आप देखेंगे तो स्टार सेट का ब्रांडिंग भी दिया हुआ है। तो इसमें ये IR रिमोट है और इस रिमोट में आपको AAA साइज के 2 सेल लग जाएंगे। तो यह रिमोट और लास्ट में आपको एक सेटअप बॉक्स मिल जाता है। दोस्तों आप सेटअप बॉक्स देखेंगे तो आपको छोटे खिलौना जैसा लगता है, जो छोटे बच्चों के कार होती है, ऐसा ये छोटा सा बॉक्स है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बॉक्स है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप आगे देखेंगे तो इसमें डिस्प्ले मिल जाता है, तो साथ में इसमें डिस्प्ले है, तो वो अच्छी बात है। तो यह डिस्प्ले यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर आप साइड में देखेंगे तो इसमें एक पावर का बटन है, चैनल प्लस, चैनल माइनस, ऐसे 3 बटन है। और साइड में आपको RS-232 का केबल मिल जाता है और एक USB का पोर्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। और आप पीछे देखेंगे तो दूसरा USB का पोर्ट आपको पीछे भी मिल जाता है। यहाँ पे छोटा सा बॉक्स है, फिर भी इसमें आपको 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं, तो यह है USB पोर्ट। फिर हम देखेंगे तो यहाँ पर एंटीना इन का पोर्ट है। फिर यहाँ पे इसमें आपको एक IR सेंसर जो लगाना होता है वो यहाँ पे आपको लग जाएगा, यहाँ पे इसको आपको अटैच करना होता है। फिर इसमें आपको HDMI केबल का सॉकेट मिल जाता है। और यहाँ पे ये बॉक्स आपको CRT TV में लगाना है, तो यहाँ पे 3.5 mm का जो जैक है, ऑडियो वीडियो जैक, वो भी मिल जाता है। USB पोर्ट है और 12 वोल्ट से चलता है। दोस्तों यहाँ पे ये बॉक्स आपको TV के पीछे लगा देना है, और यहाँ पे इसका जो IR सेंसर वो TV के आसपास कहीं लगा देंगे तो कोई नहीं कह सकता कि यहाँ पे ये बॉक्स आपके घर में लगा, डायरेक्ट आपके TV में अच्छे वाले चैनल चलेंगे, पेड चैनल भी इसमें चल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे इसका मेनू का इंटरफेस कैसा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ये डब्बे को हमने TV के साथ कनेक्ट कर लिया है। दोस्तों ये डब्बे में आपको लाइफ टाइम पेड चैनल भी फ्री टू अर्थ देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पूरी डिटेल इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे इसका जो मेनू का इंटरफेस है वो सब कुछ मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप मेनू प्रेस करेंगे तो आपको इंस्टॉलेशन मिल जाएगा। इसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन है सैटेलाइट, तो दोस्तों यहाँ पे आपको सैटेलाइट स्कैन करना है। जो प्रॉपर इंस्टॉलेशन होता है वो सभी सेटिंग आपको सैटेलाइट में मिल जाएगा। दूसरा आपको USELS मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मोटर सेटिंग का सिस्टम मिल जाता है। और लास्ट में आपको पेच ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको पावर यू बिस्की नागराविजन की वो सभी सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाती है। दूसरा ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे चैनल मैनेजर मिल जाता है, यहाँ पे आपको चैनल को एडिट करना है, फेवरेट में लगाना है, शॉर्ट करना है, या फिर कोई सेटेलाइट डिलीट करना है, या आपका जो बॉक्स है इसको
फैक्टर रिसेट करना है वो सारी सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे आपको लास्ट में एक सिस्टम मिल जाती है यूजर डेटा सेव। तो ये दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी सैटेलाइट का जो यहाँ पे आपने डेटा सेव किया है, मान लो कि यहाँ पे आपने डिश टीवी का चैनल अच्छे से इसको मैनेज किया है दोस्तों, अगर आपको बॉक्स फॉर्मेट करना पड़े या फिर कोई भी करना पड़े डिलीट हो जाए, तो दोस्तों यहाँ पे आप इसका डेटा सेव करके यहाँ से आप इसको लोड कर सकते हो। यहाँ पे आपका बहुत ही काम आएगा ये सिस्टम। तो दोस्तों यहाँ पे इसमें आपको थोड़ा पेस मिल जाता है जिसमें आप जो चैनल का डेटा है वो सेव रख सकते हो। दोस्तों आगे आप देखेंगे तो इसमें आपको सिस्टम सेटिंग मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे सिस्टम सेटिंग में भी आपको बहुत सारे सिस्टम मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है सिस्टम। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेटअप बॉक्स का मेन सेटिंग होता है, जैसे कि इसका लैंग्वेज है, ऑडियो का लैंग्वेज है, ईपीजी का लैंग्वेज है, वो सारे सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ पे आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे सेट टू आईपीटीवी मिल जाता है, यानी कि यहाँ पे आपको बिना डिश लगाए इसमें आपको चैनल कैसे चलते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाता है, और इसका रेजोल्यूशन क्या रखना है वो सारे सिस्टम आपको सिस्टम सेटिंग में मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे सेट बॉक्स का जो बेसिक सिस्टम है वो सारे सिस्टम आपको सिस्टम सेटिंग में मिल जाती है। फिर दोस्तों यहाँ पे आगे जाएंगे तो टाइमर सेटिंग है, जो नॉर्मल सा सेटिंग होता है जैसे स्लीप टाइमिंग, इवेंट टाइमिंग, ये सारी सिस्टम आपको मिल जाती है। यहाँ पे आगे आपको पेरेंटल कंट्रोल मिल जाता है, इसका जो कोड है वो 4x0। यहाँ पे आपका जो सेटअप बॉक्स को लॉक करना है, इंस्टॉलेशन लॉक करना है, चैनल लॉक करना है, यहाँ पे आपका जो भी लॉक करना है पेरेंटल कंट्रोल में सिस्टम मिल जाती है। और लास्ट में आपको अबाउट एस टी भी मिल जाता है, यहाँ पे आपका बॉक्स का मॉडल नंबर क्या है, इसका जो सॉफ्टवेयर है इसका डेट क्या है, आपने कितनी टी पी यूज़ की है और कितने सैटेलाइट ऐड किए, वो सारे सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये है अबाउट एस टी बी। तो हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे यूएसबी कंट्रोल मिल जाता है, यानी कि आप पेनड्राइव से इसमें फ़ोटो देख सकते हो, गाना सुन सकते हो, और कोई भी मूवी है और कोई भी फाइल है वो यहाँ से आप प्ले कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पेनड्राइव की सिस्टम यहाँ पे आपको मिल जाती है। साथ में अगर आपको यहाँ से सॉफ्टवेयर अपडेट करना है अपने सेटअप बॉक्स में तो वो भी यहाँ से हो जाता है। तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पे इसमें यूएसबी का सिस्टम दिया हुआ है। दोस्तों हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको नेटवर्क का सिस्टम मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे पेयर चैनल चलाने के लिए नेटवर्क का सिस्टम है, तो यहाँ पे सबसे पहले वायरलेस सेटिंग है, तो यहाँ पे आप अपना जो वाईफाई डोंगल लगा के इसमें इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो। फिर दोस्तों आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे 3G डोंगल से भी इसमें नेट कनेक्ट हो जाएगा, और जो मोबाइल का डेटा केबल है यूएसबी केबल इससे भी इसमें नेट हो जाएगा। और अगर आप इसमें VPN ऐड करना चाहें तो इसमें आप VPN भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका एड्रेस और यूजर पासवर्ड डाल के VPN अनेबल कर देंगे तो यहाँ पे आपका VPN ऑन हो जाएगा। साथ में आपको इसमें अपोलो IPTV भी मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे सिस्टम आपको ये बॉक्स में मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको मेन सिस्टम दिखा देता हूँ। इसमें आपको मोबाइल एप्लीकेशन का सिस्टम मिल जाता है, यानी कि यहाँ पे ये बॉक्स GM स्किन सपोर्टेड बॉक्स है। तो यहाँ पे ये बॉक्स के साथ अपना मोबाइल आप कनेक्ट कर सकते हो, साथ में आप अपने छत पर ले जाके ये सेटअप बॉक्स से डायरेक्ट अपने मोबाइल से डिश एंटीना सेट कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने मोबाइल में जो सेटअप बॉक्स है इसके चैनल डायरेक्ट स्ट्रीम कर सकते हो, यहाँ पे आपके टीवी में अलग चलेगा और यहाँ पे आपके मोबाइल में आप जो भी चाहे वो चैनल डायरेक्ट देख सकते हो। इसके लिए आपको मोबाइल में GM स्किन एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। यहाँ पे सर्वर की बात करें तो इसमें आपको एक साल का फन कैम मिल जाता है, जिसमें आपका 95 डिग्री ईस्ट इसमें चल जाएगा, इसमें आपको पेयर चैनल चल जाएंगे। तो यहाँ पे वो चैनल भी मैं आपको चेक करा लेता हूँ कि इसमें कैसे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छे चल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई एक चैनल लगा देता हूँ, यहाँ पे एंड पिक्चर लगा देता हूँ। यहाँ पे जो भी चैनल चलेंगे इसका जो कलर है वो रेड हो जाएगा और ये सारे चैनल चल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे ये बॉक्स की बात करो, इसके प्राइस की बात करो, तो ये बॉक्स आपको 1800 से 2000 में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे लॉकडाउन, यहाँ पे ये बॉक्स अभी तो नहीं मिलेगा, लेकिन तो दोस्तों जैसे ये लॉकडाउन हटेगा तो ये बॉक्स आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे चैनल का थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए मैंने थोड़ा ब्लोअर किया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों मुझे आशा है कि हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल पे नए मेहमान हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।